अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम से अपना बदला पूरा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने यहां दूसरे टेस्ट मैच के लिए न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अपने कदम रख दिए। आखिरकार प्लेइंग 11 टीम में हो चुकी है रिंकू सिंह की वापसी। क्या 5 बड़े बदलावों के बाद उतरी है पूरी टीम? रोहित शर्मा ने जीत लिया है टॉस, जड़ दिया है शतक। क्या चल रहा है भारत का स्कोर? सब आपको वीडियो में वो भी लाइव खाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि भारत की टीम इस बार बाजी मारेगी और 2-1 से इस श्रृंखला को जीतकर साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन पहला टेस्ट मुकाबला मात्र 1 बल्लेबाज डीन एल्गर ने टीम इंडिया को हरवा दिया और उनकी 185 रन की पारी इतनी कारगर साबित हुई कि भारत को 32 रन और एक पारी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते भारत की टीम पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। अब बारी है दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका से अपना पुराना हिसाब चुकता करने की और इस टेस्ट मैच में ऐसी हार हराने की कि वो जिंदगी भर ध्यान रखे कि कोई को उन्हीं के गढ़ में हरा कर गया था। और इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच में जहां भारत की कमजोरियां दिखी थी, बल्लेबाजी का मध्यम क्रम भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, तो वहीं गेंदबाजी भी टीम इंडिया की उस लाइन लेंथ पर नहीं थी जिस पर कगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर जैसे गेंदबाज करवा रहे थे। तो अब ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को अगर हराना था तो रोहित शर्मा को पहले ही पता था कि उनको प्लेइंग 11 टीम में बदलाव करने पड़ेंगे। तो वहीं अगर बात की जाए टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैच के बारे में आपको बताते हुए चले कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आप सभी देख पाओगे। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में दिखाई जा रही है। वही बात करें अगर मौसम विभाग की, तो दोस्तों मौसम विभाग ने जताया है कि बारिश मैच के दौरान आने की इस मैदान पर काफी कम संभावना है, इसीलिए आप सभी को पूरा 5 दिन का मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेलता हुआ नजर आएगा। तो अगर बात की जाए भारतीय बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर हर किसी को अब उम्मीद होगी कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अब भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं और यहाँ पर शतकीय साझेदारी कम से कम पहले विकेट के लिए तो होती हुई नजर आए। तो वहीं शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, रिंकू सिंह के आ जाने के बाद भारत की टीम और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं अगर प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चले तो साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम, डीन एल्गर, टोनी डी जॉर्जी, कीगन पीटरसन, डेविड वेडिंगम, काइल वेरियन, मार्को यानसन, गेरोल्ड कोट्जी, कगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर और टेम्बा बबूमा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर भारत की टीम के बारे में बताएं तो टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रिंकू सिंह और केएल राहुल को मौका दिया गया। तो वहीं फिर गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर की जगह पर अब रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। तो अब ऐसे में यही है प्लेइंग 11 टीम जो कि हम सभी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आ रही है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 टीम के साथ साउथ अफ्रीका को खदेड़ने में कामयाब हो भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम एक मजबूत टीमों में से एक है और उनको हरा पाना उन्हीं की धरती पर काफी मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें भी साउथ अफ्रीका को उनकी सरजमी पर हरा पाने में कामयाब हो नहीं पाई है, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय टीम को अब ध्यान देना होगा। अगर यह मुकाबला जीतना तो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी उनको मजबूत करनी होगी, तभी चुनौती कड़ी वहाँ पर मिल पाएगी। और अब आप सभी की क्या राय, आप क्या मानते हो कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने में कामयाबी हासिल करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब रोहित का बल्ला दहाड़ता है तब उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिला जब हिटमैन ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा ली। तो उनका साथ निभाते हुए विराट ने भी अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दंग है। आखिर कैसे इन दोनों ने पहले दिन ही लिख दी है टीम इंडिया की जीत की कहानी और कैसे उन्होंने पहले दिन ही 500 से अधिक रन बनाकर अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और विराट में कौन है सबसे बड़ा मैच विनर? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में पारी और 32 रनों से करारी हार,
खेलने वाली टीम इंडिया के सामने दूसरे टेस्ट मैच में जीत के अलावा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। भारतीय खिलाड़ी बदले की आग में तड़प रहे थे। ऐसे में जब केप टाउन के मैदान में इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए इस बार रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस की उम्मीद थी ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रबाड़ा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट डाइव से चौका बटोर कर अपने तेवर दिखाने अफ्रीका को शुरू कर दिए। इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गेल ने भी 3 रन दौड़ कर अपनी पारी का आगाज कर दिया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई और नांदे बर्गर के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 28 ओवर खेलकर मात्र 146 रन बनाए थे। अफ्रीकी टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी, तो वहीं इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद अपने बल्ले से तांडव मचा दिया। जी हां दोस्तों, मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया, पर उनकी रणनीति ज्यादा नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल मार्को जेनसन के जाल में फंस गए और LBW होकर पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 86 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे, जिसके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज खिलाड़ी बल्लेबाज मौजूद थे, जहां अफ्रीका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने रबाड़ा की 4 गेंद पर 3 चौके और 1 तूफानी छक्का जड़कर मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर जहां रोहित दंग थे, तो अफ्रीका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अंदाजे नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा। इन दोनों ने तो अफ्रीका की नाक में दम रख दिया और चाहे तक उन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए, तो वहीं किंग कोहली 78 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रन के स्कोर पर भी पहुंच गया। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने ही अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटार कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं विराट कोहली को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित ने कंधे से कंधे मिलाते हुए विराट ने शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों में पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया के दिल और धड़कन ने अफ्रीका की शामत ला दी और पूरे दिन का खेल खत्म होने तक इन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 501 रनों तक पहुंचा दिया, जो अफ्रीकी धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर हासिल कर लिया और अफ्रीका को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली। जहां कप्तान रोहित शर्मा 237 रन बनाकर नाबाद रहे, तो इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 19 बेहतरीन चौके भी लगाए। अपने रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया और विराट ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 153 रनों की यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौकों 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था और पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद ऐसा ही लग रहा था कि अफ्रीका तो अभी यह मुकाबला कभी जीत नहीं पाएगा। अब यह शानदार अंदाज में टीम इंडिया ने अपने टेस्ट मैच का बदला भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या यह दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? कौन बनेगा दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच का बदला लेते हुए दूसरे टेस्ट में अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित के बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया कि उनके बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे दूसरे टेस्ट में कप्तान के चौके छक्के की सुनामी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई अफ्रीका टीम? अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने लिखा नया इतिहास? उनके शतक पर कैसे खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, तो राहुल और विराट में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में तो भारतीय टीम बुरी तरीके से हार गई, जिसका दर्द भूल पाना नामुमकिन था। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। ऐसे में केप टाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में उतरती कप्तान रोहित के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ा कर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी देना अफ्रीका की बहुत बड़ी गलती थी। जहां शुरुआत में तो अफ्रीका को 2 सफलताएं बहुत जल्द मिली, लेकिन फिर मैदान में उतरे रोहित ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आते ही पॉइंट्स के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए।
गेंद लेकर आए थे रबाड़ा, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन कप्तान के सिर पर तो खून सवार था उनका स्वागत ही। रोहित ने मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था, तो फिर इस ओवर में उन्होंने रबाड़ा कीपर खच्चे उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनके अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अफ्रीकी खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए थे। उन्होंने वनडे को टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 में पलट कर रख दिया। इसी के साथ रोहित ने केवल अपनी 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरा क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो अफ्रीका की खूब पिटाई हो रही थी, गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। नादरे बर्गर के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अफ्रीका के कप्तान मार्करम की हालत बद से बदतर थी, वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। क्वेट्ज़े जॉनसन बर्गर यहां तक कि रबाड़ा तक अफ्रीका के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था, वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए क्वेट्ज़े ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा रोहित के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहमा रह गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था, तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, रोहित भी शेर पर सवा शेर है। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं, अपना दर्द सहन करते हुए रोहित दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थमा लिया। बस फिर क्या था, रोहित के इसी साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब क्वेट्ज़े गेंद लेकर आए, तब रोहित ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। इसी के साथ कप्तान ने केवल 72 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 6 घातक छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था, तो वहीं अब भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। हालांकि दोस्तों, ये केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाजा लग जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में इस कदर आया तो असली मुकाबले में तो क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा, रोहित कोहली, राहुल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी KL राहुल और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान में आकर KL राहुल ने न सिर्फ अपना 50 जड़ा बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि दोस्तों आज तक वो रिकॉर्ड धोनी कोहली भी नहीं बना पाए। राहुल की बल्लेबाजी उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, KL राहुल और MS धोनी में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की सरजमीन पर वो करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम उतर गई है जो आज तक कभी नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए रोहित की टीम ने मैदान पर कदम तो रख दिया, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी की पेशकश हुई ना, हमारे खिलाड़ियों की टांगे डगमगाने लगी और कुछ ऐसे डगमगाए कि कप्तान के साथ साथ सभी खिलाड़ी पवेलियन में कब जा बैठे किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों, जरा ये आंकड़े सुनिए। अपने देश के लिए ओपन कर रहे रोहित शर्मा 14 गेंदों में 5 रन बनाकर रबाड़ा का शिकार बन गए। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी निकल लिए, वो भी 17 रन पर बर्गर नाम के खिलाड़ी की गेंद पर कैच आउट हुए थे। और दोस्तों, शुभमन गिल 2 रन पर इसी गेंदबाज का शिकार बने, तो वहीं विराट कोहली और अय्यर के बीच में जब 38 और 31 रन की एक दमदार पार्टनरशिप बनी, एक सेशन वो खेल गए, तब दोस्तों अय्यर भी 50 गेंदों में 31 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं दोस्तों विराट कोहली भी 38 रन बनाकर इसी गेंदबाज की गेंद पर हत्थे चढ़ गए विकेट कीपर के हाथों। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारत के ना 150 पर ही सारे विकेट गिर जाएंगे। 121 पर तो 6 विकेट हो ही चुके थे अश्विन के आउट होने के बाद, लेकिन फिर मैदान में आया KL राहुल और शार्दुल ठाकुर का तूफान। और दोस्तों, यकीन मानिए, इन दोनों खिलाड़ियों ने जितना कंट्रीब्यूट किया ना आज, उतना शायद ही कोई एक खिलाड़ी इंडिविजुअल तौर पर कर पाया है और शायद ही कर भी पाएगा आगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब विकेट गिरने के बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों के माथे पर शिकन नहीं थी, लेकिन एक प्लान जरूर था कि दोस्तों KL राहुल अपना विकेट बचाकर खेलेंगे और शार्दुल ठाकुर ज्यादा शॉट लगाने पर ध्यान देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले ना अश्विन के आउट होते ही मैदान में आकर शार्दुल ठाकुर ने रबाड़ा को चौका जड़ा। उसके बाद मार्को जेंसन को KL राहुल ने एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए थे और शार्दुल ठाकुर ने मौका मिलते ही कोट्ज़ी को लपेट दिया जब उन्होंने 39 व 41 ओवर में उनको बैक टू बैक चौके चढ़े। दोस्तों, इस बीच शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर गेंद भी लग गई थी, लेकिन उसका बदला ना अगले ओवर में राहुल ने लिया छक्का जड़कर मार्को जेंसन को, और शार्दुल ठाकुर को फिर से जब गेंद लगी तब फिर से बाउंड्रीज लगनी भी शुरू हो गई थी।
दोस्तों दोनों खिलाड़ियों को एक किस्म से टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों चट्टान की तरह मैदान पर खड़े रहे। और दोस्तों 57 गेंदों में 29 रन जहां केएल राहुल ने बनाए, तो 32 गेंदों में 3 चौके 24 रन बना दिए थे शार्दुल ठाकुर ने। दोस्तों जिस टीम के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे ना, अब रन पर रन बनने शुरू हो चुके थे और हमारी टीम 170 तक भी पहुंच गई थी। खैर दोस्तों चलिए, ये 150 से तो बेहतर ही है। और दोस्तों केएल राहुल ने तो आज कमाल ही कर दिया। देखिए आगे चलकर उनके साथ ही शार्दुल ठाकुर भले ही आउट हो गए थे और अब बस मैदान में गेंदबाजी बचे थे आने के लिए, लेकिन केएल राहुल थे जो मैदान में खड़े होकर बाकी खिलाड़ियों की कमी को ना सिर्फ पूरा कर रहे थे बल्कि बैक टू बैक चौके व छक्के जड़कर अपने अर्धशतक तक भी पहुंचे। दोस्तों केएल राहुल ने एक खास लम्हा तब क्रिएट किया जब उन्होंने 52वीं ओवर की आखिरी गेंद पर बर्गर को एक ऐसा छक्का जड़ा जिससे कि उनका 50 भी पूरा हुआ और स्टाइल में उनका हाफ सेंचुरी के साथ साथ 53 रन भी बन गए थे। 292 गेंदों में राहुल ने 7 चौके 2 छक्के जड़कर 53 रन बनाए थे और अकेले उनके दम पर भारत 150 से उठकर 200 पर पहुंचा था। और दोस्तों इसी 50 के साथ ना केएल राहुल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इस मैदान में धोनी भी नहीं बना पाए थे। दोस्तों सेंचुरियन के इस मैदान पर इस विकेट के लिए ऐसा कोई और भारतीय विकेट कीपर आज तक हुआ ही नहीं जिसने आज तक 50 लगाया हो टेस्ट मैच में, और ये कारनामा केएल राहुल ने अपने नाम किया है ना अपने आप में नायाब रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कोई भी भारतीय विकेट कीपर टेस्ट में तो सेंचुरियन के मैदान पर नहीं बना पाया था। दोस्तों राहुल की बल्लेबाजी के लिए एक लाइक बनता है, साथ ही उन्हें आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे रोमांचक पहला टेस्ट मैच। अब रोहित कोहली की जोड़ी लाएगी अफ्रीका की शामत, तो आखिर कब और कहां पर खेला जाने वाला है ये रोमांचक मुकाबला, कितने बजे से होने वाली है हिंदुस्तान में इस मैच की शुरुआत, आखिर किन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रोहित ने दिया है प्लेइंग 11 में मौका, किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में उतरेगी अफ्रीका की टीम, किसके हक में रहेंगे परिस्थितियां, गेंदबाज मचाएंगे धमाल या बल्लेबाजों का रहेगा तांडव, इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट के साथ मौसम का हाल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जहां टीम इंडिया का दबदबा जारी है। T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने और वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब मौका है टेस्ट मैचों में धमाल मचाने का। और सीरीज की सबसे खास बात यह है कि भारत के सीनियर खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक महीने से भी ज्यादा लंबे ब्रेक के बाद एक्शन में नजर आएंगे। एक बार फिर से कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका को नजर में रखते हुए दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। वहीं भारतीय टीम इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका में इस बार टीम इंडिया के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका है। दरअसल दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना रहा है, जहां टीम इंडिया ने आज तक कभी भी साउथ अफ्रीका को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में नहीं हराई है, और ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में इतिहास रचने का मौका एक बार फिर से मिला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज को आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेबसाइट पर या ऐप पर इस पूरे सीरीज को आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी ओर बात करें समय के बारे में तो ये पहले टेस्ट मैच का प्रसारण भारतीय समय अनुसार 2:30 से होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम की परिस्थितियां भी पूरी तरीके से अफ्रीका के पक्ष में रहने वाली हैं। सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम के पिच ग्रीन है और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की सभी पिचों पर गेंद बाउंस होती है उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्राउंड पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा, इस लिहाज से टॉस जीतने वाले कप्तान को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहिए। वहीं इस मैच में खतरे की घंटी भी बज रही है। सेंचुरियन में रविवार को मैच के पहले दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना 25% है। सोमवार को भी बारिश की संभावना है और मंगलवार को तेज बारिश के आसार हैं, जो कि बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। तेज हवाओं के बीच गेंद हवा में और अतिरिक्त हरकत करेगी, यानी कि दोनों टीमों के पास जहां क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले को और रोमांचक बना देता है। तो अब जरा एक बार दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर अगर नजर डालते हैं तो जहां अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम कप्तान थिम्बा बवुमा, एडन मार्करम, टर्स्टन स्टब्स, डीन एल्गर और जोनी डे जॉर्ज
एंड्रे जैसे खुखार खिलाड़ियों से सजा हुआ है। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में उनके पास मार्को यांसेन और नांद्रे बर्गर जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। वहीं गेंदबाजी में भी जेराल्ड गोएचे, केशव महाराज, लुंगी एंगिड़ी और गगिसो रबाडा भारतीय खिलाड़ियों पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। और अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा अपनी टीम को जीत दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अब प्लेइंग 11 में चार अपने ऐसे पसंदीदा खिलाड़ियों की एंट्री कराई जिनका नाम ही अफ्रीका को खौफ में डालने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे तो मध्यक्रम में जिम्मेदारी विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के मजबूत कंधों पर सौंपी जाएगी। जहां किंग कोहली से लंबे समय बाद टेस्ट मैच में शतक की उम्मीद भी हर कोई लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यदि उनका बल्ला चला तब तो हमारी जीत सुनिश्चित है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कमान रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन को कप्तान रोहित शर्मा सौंपने वाले हैं। जहां एक बार फिर जडेजा और अश्विन उनके सबसे बड़े हथियार होंगे तो शार्दुल ठाकुर को अपने ट्रंप कार्ड के रूप में रोहित शर्मा मैदान में उतारने जा रहे हैं, जहां उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी का बखूबी इस्तेमाल टीम इंडिया के हक में जा सकता है। तो वहीं तेज गेंदबाजी क्रम में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11 भी काफी खतरनाक है। रोहित शर्मा इस मिले मौके पर बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में इस बार तो टेस्ट मैचों के रोमांच में इतिहास निश्चित ही लिखा जा सकता है। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर। अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब रोहित का बल्ला दहाड़ता है तब उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिला जब हिटमैन ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जगाकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। तो उनका साथ निभाते हुए विराट ने भी अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दंग है। तो आखिर कैसे इन दोनों ने पहले ही दिन लिख दी है टीम इंडिया की जीत की कहानी, कैसे उन्होंने पहले दिन ही 600 से भी अधिक रन बनाकर अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और विराट में कौन है सबसे बड़ा मैच विनर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, T20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बादशाहत के बाद बारी है टेस्ट क्रिकेट में इतिहास से रचने की। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका सफेद कपड़ों में पहले टेस्ट मैच के लिए सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में उतरी थी। मैदान में फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। दोनों टीमों के फैंस अपने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे और इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। और दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमने कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हाँ, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद जमाने के बाद इन फिर दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रबाडा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट डाइव से चौका बटोर कर अपने तेवर दिखाने अफ्रीका को शुरू कर दिया और इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत की। हालांकि दोस्तों, अफ्रीका के गेंदबाज इस मुकाबले में आग उगल रहे थे, क्योंकि रबाडा अलग ही फॉर्म में लग रहे थे और इसी के चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप निभाई थी। केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शत की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर मात्र 166 रन बनाए। हालांकि टेस्ट मैचों के हिसाब से रन बहुत होते हैं लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं थे। लेकिन फिर दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद अपने बल्ले से ताड़ना मचा दिया। जी हां दोस्तों, मैदान में उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपनाया और उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल केशव महाराज की फिरकी फंस गए और LBW आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 94 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। मैदान में भारत के दो सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी जहां अफ्रीका को लगा था पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे और इस बार ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे तो वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने लुंगी अंगड़ी की 4 गेंदों पर 3 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक कर मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देख करके रोहित जहां दंग रह गए थे तो वहीं अफ्रीका के पैरों तले जमीन खिसक गए।
उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अफ्रीका के नाक में दम कर दिया और चाहे तक उन्हें अफ्रीका का कोई भी और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 371 रन बना लिए तो वहीं किंग कोहली 89 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जवाब तो कप्तान रोहित ने दिखाया था। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर पर भी पहुंचे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने ही अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा छुआ, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई और विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित ने कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों में पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया के दिल और धड़कन ने तो अफ्रीका की शामत ला दी। कप्तान रोहित ने बेहतरीन दोहरा शतक लगाकर एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवाया और इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 620 रन तक पहुंचा दिया, जो अफ्रीकी धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर अफ्रीका को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 267 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 19 बेहतरीन चौके भी लगाए। अपने रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। वहीं विराट ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 168 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौकों और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। वहीं कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने भी 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका तो अभी यह मुकाबला जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का यह पहला टेस्ट मैच जीतेगी? कौन बनेगा पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी